करवाउणगे मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब अते साथी सिंह साहबान मैं बहुत निम्रता सहित बेनती करता हाँ सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब अते बाकी सिंह साहबान माइक ते आउण और अज जो एकत्रता दे विच फैसला किया गया उस फैसले तो समुचियां सिख संगतां नूं खालसा पंथ नूं जाणू करवाउण ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब बोले सो निहाल। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी दे आबा मंडल दे विच सुभाईमान श्री अकाल तख्त साहिब दे इस महान पावन पवित्र अस्थान दे उते जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सतसंगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थमिंदर सिंह वासी अमरीका जिसने अपनी मनमर्जी दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी पावन बाणी दे विच कुछ तब्दीलियां कीतियां, इस संबंधी विचारां करन वास्ते गुरु खालसा पंथ दीयां नुमाइंदा जथेबंदियां संप्रदावां दा सभा सोसाइटियां दा अज इकट्ठ सद्या गया सी और बहुत सारियां मशीनरी तरह सबका जथेदार साहबान नूं भी चिट्ठी पत्र भेजे गए सी और देशों विदेशों तो बहुत सारे ईमेल्स वट्सएप मैसेज इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते पहुंचे है जिन्हां नूं वाचिया गया और अज पंथक नुमाइंदियां नूं सुनिया गया। सुनन उपरंत श्री अकाल तख्त साहब वालों समुचे गुरु खालसा पंथ के नाम यह हुक्मनामा जारी किया जाता है। थमिंदर सिंह जिसने अपनी मर्जी नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच तब्दीलियां कीतियां अज दा ये पंथक इकट्ठ इस मामले दे विच इस नूं दोषी मनदा है। पंथक भावनावां दी तर्जमानी करदिआं श्री अकाल तख्त साहब वालों इस दी ऑनलाइन ऑफलाइन छपाई दे उत्ते रोक लाई जांदी है और श्री अकाल तख्त साहब वालों इस नूं हुक्म दिता जांदा है कि श्री अकाल तख्त साहब ते पेश हो के इस पिछे अपनी मनशा व्यक्त करे और इस मनमती काम दे पिछे जिहड़ी इहदे मगर टीम काम करदी है उहदे नाम जाहर करे और सारा रिकॉर्ड श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते पेश करे और जिन्ना चिर नहीं करदा उन्ना चिर श्री अकाल तख्त साहब वालों इस नूं तनखाइया घोषित किया जांदा है और समूह सिखां नूं इह आदेश किया जांदा है कि इहदे नाल किसी किस्म का मिलवर्तन जिहड़ा है वह ना रख्या जावे, किसी किस्म की कोई सांझ ना रखी जावे और कोई इस नूं मूह ना लावे। दूसरा ओंकार सिंह जिसने अपनी मर्जी दे नाल गुरबाणी उचारण सिद्धां दे नाम हेठ लगा मात्रा नूं हटाया वधाया श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों उस दे कारज दे उत्ते रोक लगाई गई सी उस नूं भी आदेश किया जांदा है कि वह अपना खरड़ा जिहड़ा है वह श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते जमा करवावे और जिन्ना कार्ज उसने किया उहदी भुल बख्शावे। ये दो हुक्मनामे अज श्री अकाल तख्त साहब तो किए जाते हैं। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं और जिन्नियां भी इत्थे अज गुरु खालसा पंथ दीयां संप्रदावां हाजर ने उन्हां नूं यह आदेश किया जांदा है
कि बंदी सिंह जड़े लंबे समय तो जेलां दे विच बंद है उन्हां रिहा करवाउण वास्ते सांझे रूप दे विच सारे जड़े है वह यतन आरंभ करन। पिंड रोडे दे विच जो सिंह टावर दे उत्ते बैठा है उसनू भी यह आदेश है कि आत्महत्या करनी यह सिख धर्म का सिद्धांत नहीं है, इस करके वह गुरु खालसा पंथ दीयां संप्रदावां संस्थावां दे नाल सहयोग करे तां जो आपां सारे रल मिल के बंदी सिंघां नूं रिहा करवाउण दा जिहड़ा है वह यतन कर सकीए। यह समुचे खालसा पंथ लई अज इस अस्थान तों हुक्मनामा जिहड़ा है वह जारी किया जांदा है, जकारे की गूंज दे विच इस हुक्मनामे नूं प्रवानगी जिहड़ी है वह दित्ती जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहेगुरु।